नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। ग्वालियर जिले की डबरा तहसील के जंगीपुरा में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 26 वर्षीय हिंदू युवती को 7 माह तक मुस्लिम परिवार ने बंधक बनाकर रखा। इनके चुंबल से मुक्त होने के बाद शनिवार को युवती बड़ी बहन के साथ महिला थाना पहुंची। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि इमरान ने राजू जाटव बनकर शीतला माता मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से उसे शादी की थी। बाद में उसके मुस्लिम होने का पता चला तो उसे इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। मौलाना ओसामा ने इस्लाम कबूल कराने के बाद उसका निकाह इमरान के साथ करा दिया। उसी रात मौलाना ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। निकाह के बाद से ये लोग उसके साथ मारपीट करने लगे और एक कमरे में बंधक बनाकर रखा। सास की मौजूदगी में दोनों देवरों पुन्नी व अमन ने भी युवती से दुष्कर्म किया। इसके साथ ही सास सुग्गा बेगम के साथ आए दो लोगों ने भी उसके साथ गलत काम किया। महिला थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम दुष्कर्म व बंधक बनाकर प्रताड़ित करने का मामला दर्ज किया है। डबरा पुलिस ने मुख्य आरोपी इमरान और उसकी मां सुग्गा बेगम को हिरासत में ले लिया है। देवर अमन और पुन्नी की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर की नवग्रह कॉलोनी गोल पहाड़िया निवासी युवती ने महिला थाने में आप बीती बयान करते हुए बताया कि 1 जनवरी 2021 को राजू जाटव से उसकी मुलाकात हुई। उसने खुद को जंगीपुरा मदरसे के पास डबरा का रहने वाला बताया था। 15 जून को राजू गाड़ी से उसे डबरा ले गया, जहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ गलत काम किया। वह गर्भवती हो गई। राजू की मां ने उसे कहा कि वह दोनों की शादी करा देगी, अगर शादी से पहले बच्चे को जन्म दिया तो दोनों घरों की बदनामी होगी। यह कहकर आरोपी ने उसका गर्भपात करा दिया। आरोपी का घर गलियों में होने की वजह से मामा का बुलडोजर नहीं पहुंच पाया, लेकिन प्रशासन ने घर में घुसकर मुस्लिम के घर को नेस्ते नाबूद कर दिया। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।